भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गंगा घाट पर गुरुवार की दोपहर गंगा स्नान करने आए एक बच्चे के नदी में डूबने और लापता होने की सूचना मिली है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही गनगनिया मुखिया प्रतिनिधि रामजी मंडल घटना स्थल पर पहुंचे और बच्चे के नदी में डूब जाने की सूचना सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन और CO रवि कुमार को दी। इधर पुलिस और SDRF की टीम गंगा घाट पहुंचकर नदी में डूबे बच्चे की खोजबीन में जुट गई है। गंगा में डूबने वाले बच्चे की पहचान सूरज कुमार के रूप में हुई है, जिसको लेकर सूरज के मामा तूफानी मांझी ने बताया कि साकुंड के खैरिया बरियारपुर निवासी संजय मांझी का पुत्र और उसका भांजा सूरज कुमार अपनी नानी कमली देवी के श्राद्ध कर्म में शामिल होने आया था, जो 10 कर्म के दिन गंगा स्नान करने के क्रम में डूब गया। तूफानी मांझी ने बताया कि सूरज अपनी माँ मंजूषा देवी के साथ गंगा स्नान करने नदी तट पर पहुंचा था, लेकिन स्नान करने के दौरान ही 13 वर्षीय सूरज कुमार गंगा में डूबकर लापता हो गया। फिलहाल SDRF की टीम गंगा में लापता हुए सूरज की खोजबीन में जुट गई है। आपका भैगना डूबा है? भैगना सूरज। सूरज क्या नाम है उसका? पापा का। पापा संजय मांझी। कहाँ का रहने वाला है? साकुंड के। यहाँ कहाँ आया था? सराद में। किसका सराद? नानी खत्म हुआ। नानी। भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल के द्वारा जिले के पहले CNG स्टेशन का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। NH-18 फोर लेन बाईपास रोड स्थित शिवम आर्यन फ्यूल सर्विसेज में जिले का पहला CNG स्टेशन शुरू किया गया है, जिससे भागलपुर समेत आसपास और इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों एवं मालिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। वहीं CNG फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन सांसद अजय मंडल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के GM नफप रजा, सहायक प्रबंधक आभास अग्रवाल और मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। अतिथियों का स्वागत अजय भारती ने किया। इस दौरान सांसद अजय मंडल ने कहा कि प्रदूषण से राहत दिलाने में CNG काफी मददगार साबित होगा, जबकि इसमें पेट्रोल डीजल से खर्च भी कम पड़ता है। इसको लेकर फ्यूल सर्विसेज के प्रोप्राइटर शिवम भारती ने बताया कि समय के साथ वाहनों में पेट्रोल डीजल की CNG का उपयोग खूब बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रदूषण में काफी कमी आती है। उन्होंने कहा कि भागलपुर जिले में CNG फिलिंग स्टेशन की शुरुआत होने से CNG से चलने वाले घरेलू और व्यावसायिक वाहन के मालिकों को इसका सीधा फायदा होगा और लोगों को ईंधन की फिलिंग के लिए दूसरी जगह नहीं जाना होगा। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार और टुनटुनसा विजय कुमार यादव, अरविंद मंडल समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले भर में 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है। भागलपुर के सुल्तानगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर अजगैवीनाथ धाम में छठ व्रती महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही। गुरुवार को अजगैवीनाथ के उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर बिहार झारखंड सहित विभिन्न जगहों से श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। छठ व्रती महिलाओं और भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई और पूजन कार्य के लिए उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी व्रत अनुष्ठान में गंगा जल और स्नान का विशेष महत्व होता है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं ने अजगैवीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा तट पर स्नान कर गंगा जल अपने अपने घर ले गए। शुक्रवार से 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत नहाए खाए और कद्दू भात के साथ हो जाए। वहीं छठ महापर्व को लेकर विदेशी सैलानी का जत्था अजगैवीनाथ धाम पहुंचा। इधर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद यादव, अंचलाधिकारी रवि कुमार और थानाध्यक्ष प्रिय रंजन समेत कई वार्ड पार्षदों के साथ छठ घाट का निरीक्षण किया। वहीं प्रशासन की ओर से छठ घाट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, लाइट और गंगा में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। इस दौरान SDRF टीम को गंगा में गश्ती लगाने के लिए नाव की व्यवस्था भी की गई है। कल हम लोग जाकर के निरीक्षण किया नमामि गंगे घाट और बाबा अजगैवीनाथ मंदिर के बगल के घाट, दोनों का किया। लगभग व्यवस्था ठीक ही था, लेकिन कहीं पर बिजली की समस्या थी और हम लोगों ने कहा कि महिलाओं को जो कपड़ा बदलने चेंजर रूम की जरूरत है उसको भी बनाया जाए, तैराक की व्यवस्था की जाए और
खास करके पुराना सीढ़ी घाट भी अभी इस तैयारी की जरूरत है, क्योंकि रोज लोग नहाने आते हैं छठी बरती सब, इसलिए उधर काम अब एक आध दिन में आज से शुरू होगा। उधर हम लोगों ने कहा कि उधर व्यवस्था ठीक किया जाए और टावर दोनों बगल लगाया जाए, वाचिंग टावर, जिससे कि मेला का निरीक्षण ठीक से हो और तैराक की व्यवस्था हो और लगातार गंगा नदी में स्टीमर, छोटा स्टीमर जो होता है उसकी व्यवस्था हो, जिससे कि हमेशा निरीक्षण किया जाए कि कोई दुर्घटना नहीं घटे। और जितनी माता छठी की व्रत करने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, सबसे हम एक अनुरोध करना चाहते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल करके माता छठ का पूजा किया जाए। भागलपुर में पहली बार 24 फीट डकैती। चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर की ओर से गुरुवार को बूथ स्तरीय संगठनात्मक समीक्षा बैठक पीरपैंती बाजार स्थित एक विवाह भवन में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व पूर्व विधायक रामविलास पासवान ने किया। इस दौरान पीरपैंती उत्तरी प्रखंड अध्यक्ष मुरली यादव एवं नगर अध्यक्ष मोहम्मद जानिशार असलम की अध्यक्षता में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि भागलपुर राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत देश की सबसे बड़ी ताकत यहां का संविधान है। जिलाध्यक्ष ने पीरपैंती के 29 पंचायतों के बूथों की समीक्षा करते हुए कहा कि भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए हम सभी भारतवासी संकल्पित हैं और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के सभी सम्मानित कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर कार्य को गति देना होगा, जिससे पार्टी मजबूत होकर देश विरोधी ताकतों का सामना कर सके और केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक संविधान की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। समीक्षा बैठक का संचालन युवा जिला उपाध्यक्ष मुकेश यादव ने किया। मौके पर काफी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे।